अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जो है यहाँ पर सेटविन में यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ ऐसे चीज़ें बताने वाली है सेटविन में, ऐसे ऐसे चीज़ें होने वाली है जो कि आपको देखकर भी हैरान होगी, और ऐसे ऐसे ज़बरदस्त से यहाँ पर जो फैसिलिटीज है, यहाँ पर टीचर्स यहाँ पर रखा गया है। तो आइए उनसे कुछ बात करते हैं कि जो है कितना टाइम सिखाते हैं, कितने स्टूडेंट्स को सिखाए हैं, उसके ताल्लुक से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। मैडम सलाम अलैकुम, ये बताइए आप जो है यहाँ पर किस किस चीज़ के जो है आप ट्रेनिंग देते हैं? सर मैं गारमेंट मेकिंग फर्स्ट सेमेस्टर की ट्रेनिंग देती हूँ। यहाँ पे हम लोग गारमेंट मेकिंग में बेसिक स्टिचेस आएंगे, जैसे हेमिंग, रनिंग, प्लेट्स वगैरह, ये सब बेसिक के साथ स्टिचिंग कराएंगे, और नेक्स्ट डिज़ाइन करवा नेक्स्ट भी रहेंगे बेसिक में जैसे। और आने के बाद गारमेंट्स में हम 10 to 12 गारमेंट्स हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। देन नेक्स्ट सिलेबस कम्प्लीट, और उसके साथ हैंड एम्ब्रॉयडरी के 10 stitches सर जी, 10 stitches कम्प्लीट। बट अल्हम्दुलिल्लाह एक ये 3 months की ट्रेनिंग में बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह शर्ट, शलवार, बेल्टेड ब्लाउज, सारी पेटीकोट, लॉन्ग बॉडी फ्रॉक, ये सब अपने खुद के ही सी लेंगे सर। अगर इन लोगों को फ्यूचर प्लानिंग क्या है, मतलब क्या आप लोग का ऐसा देने वाले हैं लोगों को जो फ्यूचर में कुछ काम आ सके? हाँ, खाली ट्रेनिंग ले लेके चले जाना है या आगे भी कुछ करने वाले? कुछ करना है, अगर करने वाले सेकंड सेमेस्टर में ज्वाइन करेंगे तो डिफरेंट सिलेबस रहेगा, ये थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट 4 डिप्लोमा सिलेबस रहेगा हम लोग के पास, एवरी सेमेस्टर डिफरेंट सिलेबस है। और जैसे हमारे पास इनकेस जैसे 7th standard स्टूडेंट्स है, जो लोग गरीब है वो लोग आगे नहीं जा सकते, तो वो लोग एक कॉमन सा शर्ट शलवार स्टिच करके जो बाहर 350 में स्टिचेस कर, वो कम अमाउंट में स्टिच करके अर्न कर सकते सर। अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मली बाहर जाने के 500 का एक बेल्टेड ब्लाउज स्टिच होता, तो वो ही कुछ कम अमाउंट में जैसे तकरीबन स्टूडेंट घर में यहाँ सीते पर भी घर में अर्निंग कर सकते सर। जैसे लोग क्या कर रहे हैं, पीस वर्क में ले रहे हैं, या कोई घर पे बोर्ड लगाने से वो लोग इनकम कर सक रहे हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट अर्निंग कर रहे हैं। अगर जो डिप्लोमा तक जाएंगे वो लोग थोड़ा इंटरनेशनल, आजकल कैसे कॉम्पिटिशन चल रहे हैं उस हिसाब में, जैसे बड़े बड़े काका जी ऐसे शोरूम्स हैं उसमें वो लोग क्या कर रहे हैं कि डिज़ाइनर के लिए एज अपॉइंटमेंट वैसे भी कर रहे हैं, या 3-4 मेम्बर्स मिल के एक बुटीक डाल ले रहे हैं, वो लोग बुटीक रन कर ले रहे हैं, ऐसे कंप्लीट पूरी अर्निंग अमाउंट। अभी तक आपके पास कितने स्टूडेंट सीख कर गए हैं? अभी तक बहुत सारे सर, एवरी 3 months मेरे पास एक 40 to 45 का स्टूडेंट का बैच जाता सर, एवरी 3 months वो लोग एग्ज़ाम लिखते हैं। इसमें मतलब नॉन क्वालिफाइड भी रहेंगे जिसको हम पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट देंगे, जो क्वालिफाइड है उन लोगों को सर्टिफिकेट अलग से सर्टिफिकेट देंगे, दोनों को अलग अलग सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे क्वालिफाइड होने वाले को क्या है उसमें मतलब थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा, जैसे ये रिकॉर्ड पूरे कम्प्लीट करवाना है वो पूरा कम्प्लीट करेंगे पार्टिसिपेट वाले। अगर ये बताइए एग्ज़ाम्स यहाँ पर ही होते हैं या बाहर जाकर एग्ज़ाम देना पड़ता है, किस तरीके का एग्ज़ाम होता है? नहीं बोल सकते सर, हमारे पास कहीं दूसरी जगह भी सेंटर पड़ता है, ये हमारा बड़ा सेंटर है, दूसरे सेंटर वाले भी यहाँ पर आते, हर जगह से अलग अलग स्टूडेंट्स आते समझिए, तो यहीं पर भी पढ़ सकता है, या चैतन्यपुरी या मीरालम टैंक ऐसे मतलब हमारे दूसरे ब्रांचेस है वहाँ पर भी सेंटर डालते सर। पर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर भी सीख रहे हैं माशाल्लाह, तो आइए उनसे भी कुछ बात करते हैं, उनसे मालूम करने की कोशिश करते हैं कि जो है यहाँ का माहौल कैसा रहा और सीखने की कैसी कोशिश चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए मैडम आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं और कैसा यहाँ का माहौल? 3 months से आ रहे हैं हम, अच्छा माहौल है। अब जैसा आप महंगाई बहुत है तो कपड़ों को बहुत पैसे लग रहे बाहर, तो यहाँ पर मैम जो है अच्छा सिखा रहे हैं, तो सी ले रहे हम खुद हमारे ही कपड़े, तो बाहर बहुत पैसे लग रहे 300-350 ऐसा लगते, तो हम खुद हमारे स्टिच करके दूसरों के भी सी सकते ना। आप कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे आपके फ्रेंड्स या आपके कुलीग को कि जो है यहाँ पर आके सीखे और अपने पैरों पर खड़ने की कोशिश करें? जी सुने, अपने पैरों पर ठहरने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सीखे अगर सीखे तो अपने लिए ही अच्छा है, तो उल्लंघ भी खड़ना उनके पैर पर ऐसा सीख कर। आप मुतमईन हैं यहाँ के टीचर्स से? आप यहाँ के टीचर्स भी अच्छा सिखाते हैं, बिल्किस मैम जो है बहुत सपोर्ट करते हैं, जो बेस पॉइंट है वही अच्छा फर्स्ट बेसिक ही स्ट्रांग बना रहे हो ना, आगे अपना अच्छे से सीना जो स्ट्रांग रहना सीने में, तो वो अच्छा करा रहे, कटिंग वगैरह सब अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है। कहाँ से आते हैं आप? मैं लंगर हाउस से आती हूँ, मेहदी कॉलोनी रिंग रोड वहाँ से आती हूँ। यहाँ के स्टूडेंट्स देखिए आपके जो है लंगर हाउस से आ रहे हैं माशाल्लाह, वहाँ से खास तौर से ऐसी दिलचस्पी अगर है किसी में आ गए तो माशाल्लाह
काफ़ी तरक्की कर सकते हैं और अपने पैरों पर ठहरने की कोशिश कर सकते हैं। तो आइए, और भी कोई है यहाँ पर बात करने के लिए हमारे से? आइए, उधर भी जानते हैं कौन तैयार है बात करने के लिए। समझे, कॉल आप बात करेंगे? आप क्या सीख रहे हैं? शर्ट बना रही हूँ मैं, अभी कटिंग हुई है, अभी स्टिच करना है जी। कितने महीनों से आ रहे हैं आप? 3 मंथ से। कैसा दिख रहा है यहाँ पर आपको, कैसा सपोर्ट कर रहे हैं आपके टीचर्स? कैसा मैम? तो बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, सब जनों को दिलचस्पी से सब कर रहे हैं मैम। अगर अच्छा बात है, सब जने अच्छा ही कर रहे और सब कुछ को एक दूसरे से सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे। आप कुछ मैसेज देना चाहिए आपके फ्रेंड्स को? हाँ, कि जिसको ज़रूरी है, ये सब जने समझते हैं कि एजुकेशन ही इम्पॉर्टेंट है, बट उसके साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब कभी भी, अब जैसा कोरोना में आप देख सकते हैं कि टीचर्स के साथ कैसा हो रहा है, उसकी वजह से कितने जने जॉबलेस हो चुके हैं। तो ये कैसी चीज़ें, कभी इसका ख़त्म नहीं होता, जैसे रोटी कपड़ा मकान की चीज़ की वैल्यू कभी ख़त्म ही नहीं होती, हर ज़िंदगी भर है। तो ये सीख लेना बेहतर है समझती हूँ, इसीलिए सीखने आ रहे हैं फलकनुमा। एक स्टूडेंट मेरे साथ यहाँ पर है जो फलकनुमा से ख़ासतौर से सीखने आ रहे हैं, काफ़ी सीखने की कोशिश कर रहे हैं और अपने पैरों पर ठहरने की कोशिश करते हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं दूसरे डिपार्टमेंट का क्या हाल है आपको बताने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आज हम यहाँ पर ब्यूटिशियन की जगह पर आए हैं, यहाँ पर कुछ मेरे साथ फैकल्टीज भी है, उनसे मालूम करते हैं यहाँ पर क्या क्या सिखाया जा रहा है और कितने टाइम में सिखाया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर दो मोहतरमा यहाँ पर मौजूद है कि यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं, तो उसके ताल्लुक से मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो मैडम ये बताइए, कितने दिन से सिखा रहे हैं, कितने महीने का कोर्स होता है? ये पूरे 1 साल का 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स है, जो 3-3 महीने में डिवाइड है। बेसिक 3 महीने फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर 3 महीने जो एडवांस ब्यूटिशियन बोल के है, थर्ड सेमेस्टर जो आके हेयर का रहता, जब टोटली पूरा है उसमें हेयर का ही बताते हैं हम लोग। फोर्थ सेमेस्टर आके पूरा हेयर बॉडी स्पा और हेयर स्पा टोटल कंप्लीट, अगर ब्राइडल का पैकेज लिए तो उसके हिसाब से दुल्हन को कैसा एक के बाद एक जैसा मेकअप करते हैं, हेयर स्टाइल करते हैं, वो सब उसमें सिखाते हैं। यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पर क्यों आके सीखे? और भी कोर्सेस और भी वो ट्रेनिंग सेंटर्स है, यहाँ पर आके सीखने की वजह क्या है, क्या स्पेशलिटी है यहाँ की, वो बताइए। पहली स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर एक दूसरे पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाहर क्या है, सिर्फ पार्लर में वहाँ पर देख लो, कस्टमर को बताते, उसमें डायरेक्ट कस्टमर को तो नहीं देते प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, बच्चिया एक दूसरे के ऊपर प्रैक्टिस कर लेते, जिसकी वजह से लोग परफेक्ट होके अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग के वक्त ही अपने पास से बच्चे अच्छा सीख के इनकम भी कमा लेते, मेहंदी डाल के या हेयर कटिंग, हेयर स्टाइल, फेशियल करके ट्रेनिंग के पर्पज़ पर भी इनकम लोगों की शुरू हो जाती। अब बताइए मैडम कि जो यहाँ पर क्या क्या सिखाया जाता है? यहाँ कंप्लीट बेसिक में आपको मेहंदी डिज़ाइनिंग आ जाएगा, मैनीक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, वैक्सिंग, हेयर कट, हेयर स्टाइल, ऑलमोस्ट बेसिक चीज़ें पूरे सीख ले सकते हैं। जो अंडर ट्रेनिंग रहते हुए बच्चे होम सर्विस करके या किसी पार्लर में पार्ट टाइम जॉब करते हुए पैसे कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं।
और अगर फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद सेकंड सेमेस्टर रहेगा जिसमें कंप्लीट स्किन ट्रीटमेंट बताएंगे आपको, जिसमें पिगमेंटेशन रहेगा, पिंपल रहेगा, वॉट्स कंप्लीट स्किन ट्रीटमेंट रहेगा जो डिटेल में आपको बताएंगे। अभी यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स अभी सीख रहे हैं आपके पास? अभी हम लोग के पास 80 स्टूडेंट है अंडर ट्रेनिंग, जो अभी रिसेंटली एग्जाम में जाने वाले 50 कैंडिडेट्स है, और न्यू एडमिशन भी हमारे 40 के ऊपर है अभी। तो नाज़रीन, यहाँ पर हम कुछ स्टूडेंट से भी बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है कि वो लोग बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप बात करना चाहेंगे आप कि आप जो सीख रहे हैं यहाँ पर कैसा आपको कॉपरेट कर रहे हैं आपके यहाँ? अच्छा लगा यहाँ पे मेहंदी, थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा कुछ नया आता था, अभी आने लग गया अभी। कहाँ से आ रहे हैं आप? मलकपेट। तो यहाँ पर कितने घंटे आप जो है सीख के जा रहे हैं? 10 to 2 o'clock तक। आप कहाँ से आ रहे हैं? इंजन बॉलिंग। इंजन बॉलिंग से आ रहे हैं, कैसा आपको? बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। कितना सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ब्यूटिशियन का कुछ काम हो रहा है, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट से कुछ बात करते हैं। अभी ये बताइए क्या कर रहे हैं आप? मैं हेयर स्टाइल्स कर रही हूँ जी, अब हेयर स्टाइल चल रहा। कौन सा हेयर स्टाइल कर रही हैं? मैं ये फ्लावर। हाँ। कितने महीने से? 3 महीने से सीख रही हूँ जी। हाँ। कहाँ से आ रहे हैं? मैं तालाब कट्टे से, विक्टोरिया। कितना कोऑपरेट कर रहे हैं आपको यहाँ? बहुत अच्छा कोऑपरेट हो रहा है, हद से ज़्यादा। बहुत सारे हम लोग तो इतने दिनों में इतनी जल्दी बहुत सारा चीज़ें सीख ले हैं, मेहंदी डिज़ाइंस है, चूड़ा है, फेशियल है, और मतलब हेयर कटिंग है, एकदम एक्सपर्ट्स के जैसा कर सकते हैं, इतना उतना सारा सीख लिया हम। बहुत अच्छा सीख लिया। 3 महीने की ट्रेनिंग में ऑलमोस्ट सीख गए हैं, सब चीज़। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे आपके फ्रेंड्स को? अगर आके आप लोग सीखना चाह रहे हैं यहाँ पे तो बहुत अच्छा है ये, मतलब ये इंस्टीट्यूट ऐसा है कि मतलब बेसिक बोले तो एकदम परफेक्ट होके निकल सकते हैं यहाँ से, अगर आके अपना सीखना है तो। जितने लेडीज़ हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छी अथॉरिटी है कि सेटविन इतना अच्छा दे रहा कि अपने को आगे बढ़ सकते हैं। हर लेडीज़ इतना मतलब ब्यूटिशियन हैं, दो हर वर्क बहुत अच्छा से ले रहे हैं, टीचर्स भी बहुत कोऑपरेट करते हैं स्टूडेंट्स को, हर चीज़ की अथॉरिटीज़ मतलब हर चीज़ करने के लिए उन लोगों को देते, और हम लोग भी अच्छा मतलब पूरे लड़कियाँ भी सब जन अच्छे कर रहे हैं काम, सीख रहे भी, और मन माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा है कि ये मतलब सेटविन बहुत लेडीज़ को इतने हेल्प कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ बहुत अच्छा सारा सीख सकें, यहाँ जॉब कर सकते सब मतलब ये करके आप लोग अभी 3 महीने में खुद जॉब कर ले सकते, इतना अच्छा मतलब इतना अच्छा ट्रेन हो रहा हम लोग को यहाँ, तो माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। और कोई बात करना चाहेंगे हमारे से? आप बताइए आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हेयर स्टाइल्स बटरफ्लाइज। अभी तक कितनों को आपने हेयर स्टाइल डाले? अभी तक तो जी 2-3 जनों को। जी हाँ 2-3 जनों को जी हाँ। कैसा लग रहा है आपको, कितना कोऑपरेट कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा है, अच्छा कोऑपरेट कर रहे टीचर्स, अच्छी ट्रेनिंग है यहाँ पे सीखने के लिए जी हाँ। इंजन बॉडी। क्या कर रहे हैं आप ये बताइए? जी मैं फेशियल कर रही हूँ जी हाँ। कितने मैं घर में भी कस्टमर्स को करती हूँ, यहाँ से सीख के जाने के बाद घर में भी करती हूँ प्रैक्टिस, मतलब घर में खुद लोगों को कस्टमर्स को करती हूँ घर में। अच्छा, आप तो जी करते जी हाँ सेल्फ करते हैं। कैसा लगा आपको? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ के सेंटर भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जी हाँ। मैं बाबा नगर से हूँ जी हाँ। आप ये बताइए कि ये जो हो रहा है यहाँ पर इसको क्या कहते हैं और कैसे करते हैं? ये फेशियल है, गैल्वेनिक फेशियल है, इससे बहुत अच्छा ग्लो आता है सर, हैंड फेशियल से भी और अच्छा जी हाँ, एडवांस फेशियल। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? कितने महीनों का कोर्स होता है, कितने घंटे सीखना पड़ता है इसके लिए? सर ये पूरा वन ईयर डिप्लोमा कोर्स है, हम लोग भी 1 ईयर डिप्लोमा कर रहे हैं बस। कहाँ से आए? पहाड़ी शरीफ से। कितने महीने हो गए आपको? मेरे को 1 ईयर हो रहा है, डिप्लोमा कम्प्लीट होता फेब में एग्जाम्स है हमारे। इसके साथ साथ और क्या सिखाते हैं? सब सर एडवांस में फेशियल है, बॉडी स्पा है, मसाज है, और बेसिक है इसमें एडवांस है, उसके बाद ये ट्रीटमेंट गैल्वेनिक्स के है, पूरे ऑर्गेनिक पूरे मशीन टूल्स से ही करते, एडवांस बेसिक पूरा एक में ही चल जाता सर, बॉडी स्पा सब। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे कैमरामैन से कहूँगा कि कुछ ऐसे विजुअल्स लें ताकि जो लोगों में अवेयरनेस आए, सीखने की ख्वाहिश पैदा हो और अपने पैरों पर ठहरने की कोशिश करें।
तो जैसा आपने देखा कि जो है हम सेटविन के हर वो जगह आपको ले आकर बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के साथ साथ यहाँ पर सेटविन में जो है ए टिकटिंग की भी ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके ताल्लुक से कुछ मालूम करने की कोशिश करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, ये बताइए आपको ए टिकटिंग का जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, कितने बच्चे आए हैं, क्या बेसिक क्या सिखा रहे हैं और कितने महीने का कोर्स होता है, उसके बारे में बताइए। सेटविन में बेसिक जो कोर्स है कंप्यूटर एयरलाइन टिकटिंग का, वो 3 मंथ्स का कोर्स है। वो 3 मंथ्स के कोर्स में पहले बेसिक आप लोग को पहले ये जो मैप देख रहे हैं आप, ये ज्योग्राफी की कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में मैनुअल फेयर कंस्ट्रक्शन कैसा कंस्ट्रक्ट होता वेबसाइट पे, और सॉफ्टवेयर में टिकट कैसा कंस्ट्रक्ट होता, उसके स्टेप्स है पूरे, तो वो पहले थियरी में पहले बताते हैं वो लोग को। उसके बाद में यहाँ पर सॉफ्टवेयर पे कैसा कंस्ट्रक्ट हो रहा प्राइस, वो उसके ऊपर सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस करने लगाते हैं। अलग अलग वेबसाइट्स है, मल्टीपल वेबसाइट्स है, पोर्टल वेबसाइट्स है पूरे, अकबर ट्रैवल, मेक माय ट्रिप, यात्रा, एक्सपीडिया का है, ये पूरे वेबसाइट्स पे पहले वो लोग को जो है ना फ्लाइट के कनेक्शंस कैसे चेक करना है वो बताते हैं। उसके बाद में गैलीलियो, एमआईडीएस, अबैकस, ये सॉफ्टवेयर्स है जो फेयर प्राइस फ्लाइट के टिकट्स रिजर्व करने के लिए यूज़ करते, वो सॉफ्टवेयर में से गैलीलियो सॉफ्टवेयर यहाँ पर उन लोग को टीच करते। वो गैलीलियो सॉफ्टवेयर में आप लोग को जो है ना फ्लाइट कैसा रिजर्व करना है, कैसा कनेक्शन चेक करना है, कस्टमर को कैसा कोड करना है, एयरलाइन से एयरलाइन कैसा कम्युनिकेट करना है, एयरलाइन को टिकट कैसा पास करना है, फिर उसके अंदर फ्लाइट टिकट्स कैसा, दूसरे ट्रैवल एजेंसी से टिकट इशू कराना तो कैसा क्यू करना है, वो पूरा टीच करते हैं लोग स्टेप बाय स्टेप। वो लोग को पूरा पहले ज्योग्राफी बताया, बाद में उसके बाद में 2 कोर्सेज यहाँ पर, कंप्यूटर एयरलाइन टिकटिंग एंड 3 मंथ्स का कोर्स है वो, उसके बाद में ट्रैवल डेस्क एग्जीक्यूटिव ये कोर्स है, ये भी 3 मंथ्स का कोर्स है। अच्छा सर, यहाँ पर एजुकेशन की कोई कैद है? मिनिमम 10th कंपलसरी है यहाँ पर, 10th पास, उसके बाद ही जो है ना ये जो सॉफ्टवेयर रहते हैं वो पूरे प्रोग्राम्स में रहते, तो समझने के लिए 10th कंपलसरी है लोगों को, उसके बाद में कर सकते हैं आराम से। यहाँ पर जो है कितने स्टूडेंट्स आपके पास मौजूद है कि जो है सीख रहे हैं? मिनिमम एवरी बैच 20 to 25 स्टूडेंट्स तो रहते हैं। 2 बैचेस है, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। मॉर्निंग बैच में 20-25 स्टूडेंट्स, आफ्टरनून में 20-25 स्टूडेंट्स। आप कहाँ से आ रहे हैं सर? आप अपना इतना कीमती वक्त यहाँ पर दे रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं? मीन्स मेरा जो प्लेस नेटिव प्लेस बोल रहे हैं आप, मैं यहाँ प्रॉपर यहीं का हूँ, हैदराबाद का ही हूँ। मेरे को यहाँ पर 8 ईयर्स हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं कि जो है आइए कि जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर सीख रहे हैं, तो उनसे कुछ मालूम करते हैं कि जो है क्या सीखे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, कितने महीने से आए? अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए। यस, जी हाँ। 4 डेज में आपको कितना तजुर्बा हुआ यहाँ के आपके उस्ताद हैं यहाँ पर, कैसा सिखा रहे हैं आप, कितना कोऑपरेट कर रहे हैं आपके उस्ताद? बहुत अच्छा सिखा रहे हैं जी। आप मुतमईन हैं यहाँ पर आके? आप ये नहीं सोचे कि जो यहाँ पर गलती हो गई मैं आके? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, चलिए और भी यहाँ पर मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे भी कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, देखेंगे क्या बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइए कहाँ से आ रहे हैं? बारकस। बारकस से आ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं यहाँ पर? एयरलाइन टिकटिंग। अच्छा, कब से आ रहे हैं आप? ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स हो गया जी। कैसा सिखा रहे हैं आप यहाँ के, आपके उस्ताद जो हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के पीछे, कैसा सिखा रहे हैं आप, मुतमईन है आपके उस्ताद से? यस सर, बहुत अच्छा सिखा रहे, मतलब 3 मंथ का कोर्स दिख रहा ही नहीं, 1 ईयर का कुछ ऐसा है कोर्स, टफ है बट इजी है, समझने पे डिपेंड है, अच्छा पढ़ा रहे सर। आपको ये महसूस नहीं हो रहा यहाँ के मैं गलती कर ली, मैं और भी प्राइवेट जगह जा सकती थी, यहाँ पर आके गलती कर, ऐसा कुछ है आपके पास? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, रिग्रेट नहीं है कुछ भी यहाँ आने से, और उल्टा दूसरे कोर्सेज भी ज्वाइन करने के लिए मिल रहा है यहाँ पे आए बाद। आप अपने दोस्तों के लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे यहाँ पर आने के लिए? ऑलरेडी मैं बोली थोड़े बहुत लोगों को कि नेक्स्ट मंथ में ज्वाइन हो जाते, बोले लोग बहुत अच्छा है, हो सके तो आइए, मतलब गर्ल्स के लिए ज़्यादा अच्छा है एयरलाइन टिकटिंग, ज़्यादा गर्ल्स को ही मिलती ना जॉब, इसलिए इंडिपेंडेंट के लिए अच्छा है सर। कहाँ से आ रहे हैं? बारकस। कोई बात, यहाँ पर मेरे साथ कुछ लड़के भी हैं जो सीख रहे हैं यहाँ पर, उनसे भी मालूम करते हैं कि कितने महीने से आ रहे हैं आप, कहाँ से आ रहे हैं? जी मैं मलकपेट से आ रहा हूँ, नवंबर से ज्वाइन किया मैं यहाँ पे जी। आप मुतमईन हैं यहाँ पर आके सीख रहे हैं? जी बिल्कुल मुतमईन हूँ, जैसा प्राइवेट सेक्टर्स में सिखाते हैं वैसे ही सेम यहाँ पे है जी। ऐसा नहीं है कि अक्सर होता है गवर्नमेंट स्कूल्स हो या सेटविंस हो लाइटली लेके पढ़ाते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा है? जी नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है सर, एकदम बिल्कुल सीरियसली अपने को समझाते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं हम।
आप मुतमईन हैं यहाँ पर सीखने से? जी बिल्कुल मुतमईन हूँ मैं यहाँ पर सीखने से। अगर आपको कुछ कहा कि जो है मैं यहाँ सेटविन में आना चाह रहा हूँ कोई पूछा तो आप क्या कहेंगे उन्हें? जी मैं तो बेस्ट ऑप्शन दूंगा कि ये बेस्ट ऑप्शन है, आपको सेटविन में आप अच्छे से सीख सकते हैं जो भी आपको सीखना है। अगर आप कंप्यूटर ऑनलाइन टिकटिंग सीखना चाहें तो बेस्ट चॉइस है आपकी सेटविन में आने के लिए। पर कंप्यूटर्स लैब में यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर टीचर्स हैं जो कंप्यूटर क्लासेस ले रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि 8 ब्रांचेस चलते हैं, सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक। ये बहुत बड़ी बात है, सेटिंग में इतनी मेहनत की जा रही है, तो उसके ताल्लुक से कुछ मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए मैडम, यहाँ पर आप जो है सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक जो बैचेस ले रहे हैं, इसके पीछे आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इसके ताल्लुक से आप कुछ बताने की कोशिश करेंगे? हमारे पास 8 to 10, 10 to 12, 12 to 2, 2 आवर्स का बैच है। इसके अंदर आपको MS ऑफिस, मल्टीमीडिया, DTP, वेब डिज़ाइनिंग ये सब बता रहे। तो इसके लिए हम लोग 3 मंथ्स का कोर्स है, ड्यूरेशन 2 आवर्स का है। आफ्टर 3 मंथ्स आपको एग्ज़ाम होता, फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, तो सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट रिकग्नाइज रहेगा। ये हम लोग के पास जॉब मेला भी कंडक्ट होता, जैसा आप जॉब में सिलेक्शन होते तो वैसे आपको फिर नेक्स्ट डे से जॉब पे रिक्वायरमेंट रह जाती। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास अलग से और एक एक सेक्शन है। क्यों बोल तो हम लोग के पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से और एक एक न्यू क्लास अपॉइंट करें हम लोग। हम लोग के पास 200 स्टूडेंट्स है पूरे डेली, 2 आवर्स, एक बैच में 20 मेंबर्स को हम लोग अलाउ करेंगे। ओके, कोविड की वजह से। ये स्टूडेंट कहाँ कहाँ से आते हैं, कुछ आइडिया है आपको? ये स्टूडेंट्स बहुत दूर से, जैसा कि शाहीन नगर है, बल्लागुड़ा है, महबूब नगर से भी थोड़े स्टूडेंट आए हुए हैं यहाँ पर रूम लेके। तो यहाँ पर रूम भी चार मीनार के साइड वो लोग रूम पे रह के 3 मंथ्स का कोर्स कंप्लीट करके फिर वो सर्टिफिकेट एग्जाम होके सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। आपका नाम बताइए, आप कहाँ से आते हैं सिखाने के लिए? मेरा नाम जुवेरिया सुल्ताना है, मैं सईदाबाद से आ जाती हूँ। कितने महीनों से, कितने सालों से सिखा रहे हैं यहाँ पर? मैं 10 ईयर्स से जॉब करती हूँ यहाँ पर। जी हाँ, 10 ईयर्स। माशाल्लाह 10 साल से ये खिदमत दे रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को सिखा चुके हैं। हम आपको जो है 99 की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो आपने अपनी कौम के लिए और इल्म को बढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
आज हम यहाँ पर दूसरे डिपार्टमेंट में आए हैं सेटविन में, के जो है डीजल मैकेनिक। शहर में कोई सीखा हो ना देखा होगा आपने, यहाँ पर ख्वातीन भी डीजल मैकेनिक में इंटरेस्ट रखती हैं, दिलचस्पी रखती है, के जो है डीजल मैकेनिक सीखना ख्वातीन में ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ के उस्ताद हमारे साहब हैं यहाँ पर, आपका नाम बताइए सर। मैं वेंकटेश सलोन जी वेंकटेश सलोन। ये आपको कैसा आइडिया आया कि जो है ख्वातीन को, लेडीज़ को जो है डीजल मैकेनिक सिखाने का? आजकल लोग क्या करता, टेक्नोलॉजी बढ़ गया, एक एक घर में दो दो गाड़ी है, दो दो गाड़ी का छोटा छोटा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये छोटा छोटा प्रॉब्लम को कारखाने को कहेंगे ना, अपना काम अपना करना को मेरा दिल से वो आ गया, उसके बारे में लेडीज़ के भी इंटरेस्ट में आ गया स्टूडेंट्स। लेडीज़ में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं आपके पास अभी? अभी क्या कर रहे हैं, इप्पुडु प्रेजेंट वन नंबर्स, अभी 103 कैंडिडेट्स आने का लाइन में है। डीजल मैकेनिक में ओनली फोर व्हीलर्स, पेट्रोल एंड डीजल मैकेनिज्म बता रहा हूँ। दोनों भी मैं बता रहा हूँ, उसमें रनिंग प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम, माइनर प्रॉब्लम सब बताता हूँ। उसके बारे में क्या करता हूँ, आजकल लेटेस्ट मॉडल्स में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आ गया, ईसीएम सिस्टम्स आ गया। ईसीएम बोलते कि है ये इंजन कंट्रोल मॉडल्स, ये भी मार्केट में ये इंजन चल रहे हैं। बेसिक क्या सिखा रहे हैं आप लोगों को? बेसिक क्या है, ये इंजन के बारे में हेड ब्लॉक संपु ये बेसिक है। ये हेड के बारे में कौन सा पार्ट्स है, ये पार्ट्स का फंक्शंस क्या है, ये रनिंग प्रॉब्लम क्या है, मेजर प्रॉब्लम क्या है, ये पूरा बेसिक में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि आप डेमो देंगे कुछ आप हम और को के जो है क्या क्या सिखाने वाले हैं? ये इंजन ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद में हेड का पार्ट्स क्या है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, इनलेट मैनिफोल्ड है, ये मैनिफोल्ड्स के बारे में एग्जॉस्ट कैसा है, इनलेट कैसा है, ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को। ये तो हैवी व्हीकल होगा ना, जैसा आपका लाइट व्हीकल होगा, टू व्हीलर के ताल्लुक से कुछ आप बताएं। सुनो, ये फोर व्हीलर परफेक्ट होने के बाद में ऑटोमेटिक टू व्हीलर कर सकते हैं। उसके बारे में क्या करता हूँ, अपने पास ओनली फोर व्हीलर चल रहे ना टू व्हीलर्स, उसके बारे में बेसिक मेन इंपॉर्टेंट, అది టూ వీలరు ఫోర్ వీలరు వితౌట్ పిస్టన్తో ఇంజిన్ అయ్యే, వితౌట్ మ్యాన్తో వితౌట్ హార్ట్తో మ్యాన్ అయ్యే, అసే విధంగా ఇంజిన్కు కంపల్సరీ పిస్టన్ అయ్యి, ఏ పిస్టన్కే బారమే రింగ్స్ ఆతా, ఏ రింగ్స్ టూ టైప్సే ఎక్స్టర్నల్, అవి కంప్రెషన్ రింగ్, ఆయిల్ రింగ్ ఉంటుంది, ఏ కంప్రెషన్ రింగ్ క్యా కామ్ కర్రే, ఆయిల్ రింగ్ క్యా కామ్ కర్రే, అది కంప్రెషన్ రింగ్ ఎయిర్కు కంప్రెస్ కర్తా, కంప్రెస్ కర్నేకే బాద్మే క్యా కర్తా, గాడీ పికప్ హో జాతా, ఏ కంప్రెషన్ ఖరాబ్ హోనేకే బాద్మే ఎయిర్ లీకేజ్ ఆతా, పికప్ నహీ ఆతా, ఉస్కే బారమే రింగ్స్కే డిపెండ్ ఆతా హూం। ये कब से सिखा रहे हैं आप यहाँ पर? मैं क्या कर रहे हैं सर, ये 6 महीने का कोर्स है, मैं 20 साल से इधर बता रहा हूँ स्टूडेंट्स को। मेरा स्टूडेंट्स कोर्स होने के बाद में इवन ऑल डिपो में भी वर्क कर रहे, ऑल डिपो में भी जॉब कर रहे, उसके बाद शोरूम वाला भी आके लेके जा रहे, इवन हैदराबाद छोड़ के अदर कंट्रीज में भी है, या दुबई सऊदी में भी है मेरे स्टूडेंट्स। अरे इधर क्या करता, स्टार्टिंग 10,000 मिलता, उधर जाने के बाद में 50,000 कमा रहे, उसके बाद में सेल्स एंड सर्विसिंग वर्कशॉप भी शुरू कर रहे। तो हम यहाँ पर जानते हैं कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं कि जो है इसमें इंटरेस्ट रखते हैं मैकेनिज्म सीखने के लिए। मतलब मैं ये बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं राजेंद्र नगर। आपको कह रहा शौक होगा आप यहाँ यही सीखने के लिए, और भी चीज़ें सीखने के लिए, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जी? मुझे सर्टिफिकेट चाहिए इसका। मैं 15 डेज से आ रही हूँ। हर चीज़ के लिए एक हुनर होना चाहिए, लेडीज़ आज पीछे नहीं है, एक भी स्टेप के लिए पीछे नहीं होते, और किसी के ऊपर वो नहीं होते कि हमारे को उन्हें ही बताए तो हम कर सकते, ऐसा नहीं है। आज कहीं भी आप वर्ल्ड में जाएंगे, लेडीज़ कहीं पे भी कम नहीं है, हर चीज़ का हुनर रहना चाहिए। हम किसी पर बर्डन क्यों हो, हम खुद सेल्फ हो, हम ड्राइविंग तो सीख जाते हैं लेकिन उसका पार्ट्स क्या है, हमें उस चीज़ की इल्म होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। कभी हम ऐसा होता है कि हम किसी को बताए तो हमारे को ही तो पता चला कि हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ की नॉलेज है। हम आने का मकसद यही है कि हम आज हम इन फ्यूचर हम हमारे आने वाले फ्यूचर में भी हम कुछ कर सकते, ये नॉलेज है ना हमारे को, हम अपने फ्यूचर अपने बच्चों को आगे क्या सिखा सकते क्या नहीं, आज हम पीछे नहीं रहना चाहते, हम आगे बढ़ना चाहते बस। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि जो है यहाँ पर आके सीखने के लिए? मैं आपको बोलना चाहूँगी, कभी हम अपने आप को कमज़ोर ना समझे, कभी हम ये ना समझे कि हम किसी के बल बोते पे ही कर सकते, हम बिल्कुल हम अपने आप से आगे बढ़ सकते कर सकते, और आप प्लीज़ अपने आप को आगे बढ़ाइए, आने वाली जनरेशन को इस चीज़ की सीख दीजिए कि हम कर सकते,
क्योंकि ये नहीं है कि डीजल मैकेनिक है या फिर कोई इंजीनियरिंग है, कुछ भी कोई चीज़ें पीछे नहीं होना, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे या फोर व्हीलर हो, कुछ भी हो। आज तो पायलट लेडीज पायलट्स भी है, ये तो मैकेनिकल हमारे को नॉलेज है इस चीज़ की, तो हम करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए इस चीज़ के लिए। और कोई बोलना चाहेंगे? तो ये नाज़रीन, ये जो जज्बा देखें, हर किसी के दिल में ये जज्बा पैदा हो, हम भी दुआ करते हैं कि जो है ऐसे ही सीखने की जो है दिलों में ख्वाहिश पैदा हो। इसी के साथ हम इजाज़त देते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, अब हम इख्तिताब पर पहुँचते हैं। हम यहाँ पर जो है KPN चारी साहब जो ट्रेनर कोऑर्डिनेटर यहाँ पर मौजूद है, 35 साल से इन्होंने खिदमत दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 35 साल से अपनी ज़िंदगी सेटविन में वक्फ़ कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। तो चरी साहब का जो है 99 में हम वेलकम करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 35 साल का तजुर्बा जानने की कोशिश करते हैं उनसे। चरी साहब, आपका जो है 99 टीवी में आपका वेलकम करते हैं। ये बताइए सर, आप 35 साल से आप तो कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पर यहाँ सर्टिफिकेट्स दिए हैं, स्टूडेंट्स को यहाँ से पास करके जो है उनको अपनी ज़िंदगी संवारने का मौका दिए? अभी मैं तो पहले इंस्ट्रक्टर था इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उसमें तो सब वो बच्चे ट्रेनिंग करे वो लोग, फिर उसके बाद अब कोऑर्डिनेटर बना, ट्रेनिंग इंचार्ज बना मैं, तो हमारे पास हज़ारों बच्चे ट्रेनिंग हुए, जैसे कि पूरे कोर्सेस में, डिफरेंट कोर्सेस में पूरे बच्चे कंप्लीट हमारे पास एडमिशन्स होते, और 3 मंथ्स कोर्सेस है, 6 मंथ्स कोर्सेस है, तो उसके अंदर वो लोग 3 मंथ्स कम्प्लीट होने के बाद, 6 मंथ कम्प्लीट होने के बाद वो लोग से एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं हम। सो एग्ज़ाम में जो भी पास होते हैं उनको सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं हम लोग। ये बताइए सर, ये टोटल सेटविन के कितने ब्रांचेस हैं और कहाँ कहाँ पर है? ये टोटल थ्रू आउट अपना ट्विन सिटीज़ में 24 ब्रांचेस हैं। हाँ, 24 ब्रांचेस हैं। 24 ब्रांचेस में आप यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से यहाँ पर ही है खिलवत में, और सबसे पुराना सेटविन यही है जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो इसमें कौन से एडवांस टेक्नोलॉजी आई है 35 साल के अंदर, आप जैसा देख रहे हैं स्टार्टिंग में क्या था, अब प्रेजेंट क्या है, उसके बारे में बताइए। अब पूरा कंप्यूटर्स पूरे आ गए, और R&AC रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन में भी एडवांस आया, और कंप्यूटर हार्डवेयर बोल के आया, और पुराना तो इलेक्ट्रिशियन कोर्स है, डीजल मैकेनिक है, ऑटोमोबाइल है, सो ऑटोमोबाइल में भी डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल 1 ईयर का कोर्स, और ब्यूटिशन के अंदर भी डिप्लोमा कोर्स, और फैशन डिज़ाइन में भी डिप्लोमा कोर्स है। सो डिप्लोमा कोर्स बोलते 1 ईयर का, उसमें 4 सेमेस्टर्स रहते, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, ये 4 सेमेस्टर्स कंप्लीट करते उनको डिप्लोमा सर्टिफिकेट देते, उसका भी एग्ज़ाम रहेगा, वो एग्ज़ाम में पास हो तो उनको भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट देंगे। हमने सारे सर्टिफिकेट घूम कर आए हैं, अभी सबसे जो है हर डिपार्टमेंट में गए हैं, जैसे कंप्यूटर ब्यूटिशियन है, फैशन डिज़ाइनर है, टेलरिंग है, सब में जाकर आए हैं, और ये भी मालूम कर रहे हैं कि यहाँ की स्पेशलिटी जो है डीजल मैकेनिक के लिए लेडीज़ अप्रोच हुई, ये यहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरी नॉलेज है, ये पहली बार यहाँ पर हुआ है। तो ये कैसा आपके दिमाग में आया? अभी अभी ये मोटर ड्राइविंग बोल के है ना सब, मोटर ड्राइविंग, तो उनका मोटर ड्राइविंग का स्कूल रहता, तो वो लोगों को भी मोटर ड्राइविंग के साथ साथ मैकेनिज्म भी होना पड़ता जी। तो मैकेनिज्म भी उनको मालूम रहता, वो लोग मोटर ड्राइविंग में अगर आगे कुछ तकलीफ हुआ तो, कुछ प्रॉब्लम्स आए तो कार में वो लोग को दुरुस्त कर सकते हैं, तो वैसा लेडीज़ भी आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा। तो आप लोग कैसा मतलब सोचा, लेडीज़ की भी रखा गया एक ब्रांच, एक मतलब अक्सर तो बॉयस रहते, जेंट्स रहते, जेंट्स रहते, तो वो लोग लेडीज़ भी हमारे पास डायरेक्ट अप्रोच हुए हैं। अच्छा। वो लोग खुद उनके हाँ हम सीखना चाह रहे बोले, तो हम इसलिए उनको एडमिशन दे रहे हैं। सर, आपको 35 साल हो गया है, 35 साल में आपका यहाँ का तजुर्बा काफ़ी तजुर्बा है माशाल्लाह के, जो है अपनी ज़िंदगी तकरीबन सेटविन में गुजार दी है, आगे और एडवांस में क्या आने वाला है, आपको कुछ नॉलेज है इसके बारे में, कुछ मालूम है? तो एडवांस में बोले तो अभी इजाफा क्या होने वाला है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन में, और उसमें कौन सा बोलते हैं, सेंट्रल AC और स्प्लिट AC, विंडो AC बोल के है,
तो अभी नया डक्ट सिस्टम बोल के आ रहा, डक्ट सिस्टम बोल के, तो अभी हाँ सीलिंग में लगता है, तो वो बहुत एडवांस हो गया, वो भी आने वाला है। और का मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग भी है, चल रहा हमारे पास। और सीसीटीवी, क्लोज सर्किट टीवीज बोल के, वो भी हम लोग दे रहे, ट्रेनिंग दे रहे हैं अभी, और स्पोकन इंग्लिश भी दे रहे हैं हम लोग। तो आपके जो ट्रेनर्स हैं यहाँ पर जो ट्रेनिंग दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, उन आप लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं और स्टूडेंट्स आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं? यहाँ तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा आते हैं, अच्छा एडमिशन्स हो रहे हैं हमारे पास, स्टूडेंट्स भी अच्छा रेगुलर आते और अच्छा सपोर्ट भी करते हैं, और स्टाफ भी सपोर्ट करता। तीन महीने कोर्स में कितने स्टूडेंट्स यहाँ से जो पास होकर निकलते हैं? कम से कम मैक्सिमम 300 300। तो ये थे नाज़रीन यहाँ के कोऑर्डिनेटर JPN चारिया साहब, KPN चारिया साहब के जो है काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पर खिदमत दे रहे हैं। 35 साल से देना अपनी ज़िंदगी वफ़ कर देना सेटविन के पीछे, ये बहुत बड़ी बात है। हम उनको जो है मुबारकबाद देते हैं कि जो है काफ़ी अच्छा इन्होंने अपने काम का अंजाम दिया है, काम को अंजाम दिए हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। 99 TV में ऐसे ही दिलचस्प प्रोग्राम आपको दिखाते रहेगा। मैं मोहम्मद आदिल, कैमरामैन मज़हर के साथ, मैं मोहम्मद आदिल, अल्लाह हाफिज़।